हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक सेटेलाइट डीवी मीटर है जो कि सॉलिड कंपनी का है। मॉडल नंबर है SF12। तो दोस्तों, एक कांटेदार वाला सेटेलाइट मीटर है जो कि सादा भाषा में कहे तो एक सुई वाला। और दोस्तों, ये इसका गैन है, इसका अप डाउन करने के लिए ये होता है हमारे कांटे को सेट करने के लिए। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये इसे कैसे सेट करते हैं और कैसे कैसे इसे सैटेलाइट और LNB से कनेक्ट करते हैं। तो आगे चलने से पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो चलिए चलते हैं और करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे बैक साइड में किया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस पे ये आपको दिख रहा है सॉलिड सैटेलाइट डीवी मीटर, और इसका ये आपको मॉडल नंबर भी दिख रहा होगा, और इसकी फ्रिक्वेंसी गेन लिखा है 950 2150 mHz, जेड मतलब मेगाहर्ट्ज, पावर मतलब इसकी सप्लाई 13 वोल्ट 18 वोल्ट DC दे सकते हैं आप। तो दोस्तों, इसे कनेक्ट करने के लिए आपको दिख रहा होगा ये लिखा है टू रिसीवर, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर लिखा है टू रिसीवर। तो ये साइड है इसकी टू रिसीवर की तरफ ये लिखा है, तो इसे रिसीवर की जो LNV इन होती है उससे इसको सप्लाई कनेक्ट कर दी जाती है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं टू LNV, तो यहाँ से एक के बाहर निकल के जो कि हमारी एक वायर होती है जो कि सर्विस वायर कहते हैं, उसे हम LNV मतलब डिश एंटीना से कनेक्ट कर देते हैं। और दोस्तों, उसके बाद ये हमारा चलने लगता है। तो दोस्तों, मैं आपको इसे चला के भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे ये पावर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बोर्ड है जो कि हमने इस सेटअप बॉक्स को पावर सप्लाई दे दी है। ये देखिए, ये इसका वायर है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसका वायर है, यहाँ से ये यहाँ पे आया हुआ है। और ये LNV है जो कि सेटअप बॉक्स से LNV इन आ रहा है। ये वायर आ रही है हमारी, ये सर्विस वायर है जो कि हमारे मीटर पर ये कनेक्ट हो रही है, जो कि मैंने आपको बताया था। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए टू रिसीवर, तो ये रिसीवर से हमने कनेक्ट किया हुआ है, और ये हमारा टू LNV है। तो हम इधर इसी LNV को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, मेरा प्रॉपर एंटीना सेट है, इसलिए दोस्तों मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी ये LNV जो एंटीना से हमारी बाहर आ रही है, ये इसे हम को कनेक्ट करते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, ये हमारा कांटा आपको 5 नंबर पर दिख रहा होगा, और ये हमारी ये LED आपको दिख रही होंगी जो कि ये 13 वोल्ट इसको सप्लाई मिल रही है, तो ये 13 वोल्ट दिखा रहा है, और ये इसका 0 MHz दिखा रहा है, और 18 वोल्ट कनेक्ट होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा 18 वोल्ट सप्लाई होता है, तो ये ऊपर वाला जो LED दिख रहा है आपको, ये चलेगा। तो दोस्तों, अब ये हमारा एंटीना प्रॉपर सेट है, इसलिए ये आवाज़ कर रहा है। और देखिए दोस्तों, आवाज़ इसका आवाज़ में चेंजिंग होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ ये एंटीना वाली LNV की जो वायर आ रही है, इसे मैं इसे डिसकनेक्ट करता हूँ, तो देखना उसके बाद ये क्या पोजिशन दिखाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कांटा नीचे गिर गया, क्योंकि अब हमारा LNV सेट नहीं है। तो दोस्तों, ये जब हमारा एंटीना सेट हो जाएगा तो ये इस तरह का बीप की आवाज़ करेगा, जैसे कि आपको वीडियो में सुनाई दे रही है, इस तरह से ये बीप करेगा। और दोस्तों, जैसा कि हल्का हल्का आप एंटीना को इधर उधर करेंगे तो कांटा थोड़ा ऊपर नीचे होता है। दोस्तों, ये आवाज़ में चेंजिंग आ जाएगा इसका, जैसे कि हमारा एंटीना
अगर सेट नहीं होगा तो आवाज़ में थोड़ा अजीब तरह का डिस्टेंस रेंज सुनाई देगा, जैसे कि अप डाउन। अगर हमारा सिग्नल सेट हो जाएगा तो ये एक तरह स्तर होके एक जैसी आवाज़ निकालेगा, जैसा कि ये देखिए आवाज़ में डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, क्योंकि मेरा LNV का ये वायर है ये थोड़ा लूज है, इसलिए ये कर रहा है। ये देखिए हमारा सिग्नल नहीं मिलेगा तो देखो ऐसे करेगा ये, अगर हमारा सिग्नल मिल जाएगा प्रॉपर इसे तो ये स्तर हो जाएगा, देखिए ऐसे स्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका जैसे आप कनेक्ट करते हैं, आप इसे कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों इसकी आवाज़ में भी चेंजिंग आपको दिखाई देगी, जैसा कि देख रहे हैं आप। इसे गेन को मैं घुमाऊंगा, उसके बाद देखना आप, इस गेन को मैं घुमाता हूँ, जैसे कि हमारा ये 0 पे है। तो दोस्तों हमारा ये कनेक्ट करने से पहले अगर हमारा ये कांटा 0 पे रहता है तो हमें इस गेन से दोस्तों हमें 5 नंबर पर कर लेना चाहिए।